हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मिसेलेनियस वायरस के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, मिसेलेनियस वायरस होते क्या हैं। पहली बात तो ये कॉमन वायरस नहीं होते, जैसे फ्लू का वायरस हो गया, ठीक है, नॉर्मल कोल्ड का वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ये कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो उनका इन्फेक्शन बार बार होता ही रहता है, तो उनके बारे में नॉलेज भी है कि उसके अगेंस्ट में किस तरीके की ड्रग्स लेनी चाहिए या कौन सी वैक्सीन उनके अगेंस्ट मिली जा सकती हैं, किस तरीके का वायरस का जीनोम है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ ये वो कॉज कर सकता है, बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है, ये सब जानकारी होती है। लेकिन मिसेलेनियस वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनका इन्फेक्शन कॉमन नहीं होता, या जो नए वायरस हैं जिनको अभी किसी खास तरीके के ग्रुप में भी नहीं रखा गया है। कुछ वायरस को रख भी दिया गया है, लेकिन कई सारे वायरसेस के बारे में भी पूरी नॉलेज ना होने के कारण उनको ग्रुप में डिवाइड भी नहीं किया गया है, ठीक है। उनका एक ही या दो जगह आउटब्रेक हुआ है जिनके बारे में अभी रिसर्च चल रही है कि वो किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में नहीं है। तो ऐसे वायरसेस को हम मिसेलेनियस वायरस कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वायरसेस दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर पैथोजेनिक ग्रुप और वायरल फैमिलीज आर कॉल्ड मिसेलेनियस वायरस, ठीक है। मतलब उनको किसी फैमिलीज या ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया है, और अगर किया भी गया है तो भी उनके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, उनके बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं है, और बहुत कॉमनली उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखिए, दे आर नॉट आइसोलेटेड कॉमनली, मतलब कॉमनली उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो इन्फेक्शन है वो कॉमन नहीं है, किसी किसी जगह पे ही उनका इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उनको कहाँ से आइसोलेट कर लेंगे कहीं, क्योंकि जब तक वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे उनको आइसोलेट किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो कॉमनली उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है। बट देयर स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। लेकिन उनकी स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करते हैं वो, इन्फेक्शन फैलाते हैं कहाँ कहाँ, एनिमल में, प्लांट्स में, ह्यूमंस में भी। तो अगर हम उनकी स्टडी नहीं करेंगे तो उनके अगेंस्ट में कैसे हम प्रॉपर मेजर डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ दीज वायरसेस आर एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ वायरोलॉजी रिसर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन पर अभी भी स्टडी और रिसर्च चल रही है। पहला है इसमें हंटा वायरस। देखिए, हंटा वायरस जो है वो निगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम कंटेनिंग वायरस होता है, जो कि रोडेंट्स या चूहों के काटने से फैलता है। करता क्या है ये, हेमरेजिक फीवर कॉज करता है, रीनल सिंड्रोम और पल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है। अब ये हंटा वायरस का इन्फेक्शन मेनली चाइना में देखा गया था, चाइना से ही ये कुछ वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी कुछ इसके आउटब्रेक्स देखे गए हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा, साउथ इंडिया में हंटा वायरस, जब कोरोना वायरस चल रहा था उसी टाइम पे हंटा वायरस का भी शोर मचा था कि इसका इन्फेक्शन पाया गया। लेकिन क्या है, कॉमन नहीं है, इसको आइसोलेट करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता तो हम पेशेंट के ब्लड से इसको आइसोलेट कर सकते थे, लेकिन इसको आइसोलेट करना आसान नहीं है। इसकी वजह से हर जगह रिसर्च भी नहीं हो सकती इन पे, स्ट्रेन कहीं और से मंगाना पड़ेगा, और इसलिए क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से प्रॉपर मेजर डेवलप नहीं किए जा सकते। एरिना वायरस देखिए, ये भी ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स, निगेटिव सेंस आरएनए जीनोम सेम ही है, ये भी हेमरेजिक डिजीज़ इन ह्यूमंस कॉज करता है, एरिना वायरस, ठीक है। इसके बाद आप देखिए निपाह वायरस। निपाह वायरस को सबसे पहले मलेशिया में देखा गया था, ये भी एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन एंड इंसेफेलाइटिस, ठीक है। इसके देखिए पैपोवा वायरस। पैपोवा वायरस में पै और पो का मतलब है पैपिलोमा वायरस और पॉलीओमा वायरस, सीवियन वायरस SV40, जो कि बहुत ही कॉमन वेक्टर की तरह भी यूज़ होता है स्टडीज़ में, ये इसको वेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है किसी भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बॉडी में पहुंचाने के लिए, या फिर नॉर्मल वैक्सीन के प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब इसमें अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड किसी भी इन्फेक्शियस आरएनए या किसी भी इन्फेक्शियस वायरस का आरएनए डाल दें, तो ये वेक्टर की तरह काम करके कहाँ पहुँचा देगा, इसको ह्यूमंस के क्रोमोसोम में पहुँचा देगा। तो पैपोवा वायरस क्या करता है, पैपिलोमा वायरस और पॉलीओमा वायरस इसमें आते हैं, सीमियन वायरस भी इसमें आते हैं। कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेनिंग वायरस है, नॉन इन्वेलप्ड है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, ठीक है। ये हो गया आपका रियो वायरस। देख लीजिए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम कंटेनिंग वायरस है, ये भी ह्यूमन और एनिमल में डिजीज़ कॉज करता है, मल्टी लेयर्ड कैप्सिड प्रेजेंट होती है इसमें, नॉन इन्वेलप्ड है, और ये कहाँ कहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है ये भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फाइलो वायरस देखिए, निगेटिव सेंस
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम कंटेनिंग वायरस है, एनवेलप्ड वायरस है, कॉज सीवियर हेमरेजिक फीवर इन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। देखिए जितने भी ये हमारे वायरस हैं वो ज़्यादातर क्या कॉज करते हैं, हेमरेज कॉज करते हैं, ठीक है, हेमरेजिक फीवर कॉज करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स में लीकेज करा देते हैं, ब्लड जो होता है लीक कर जाता है, हेमरेज कॉज हो जाता है। तो कुछ वायरस का एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, तो ये बहुत सारे वायरस, कम से कम ये 120 से लेकर 140 वायरस तक अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बता सकती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो याद नहीं रहेंगे। तो अभी 6 याद कर लीजिए, रियो वायरस, फाइलो वायरस, पेपोवा वायरस और निपाह वायरस, अंटा वायरस और एरिना वायरस। ये आपके मतलब याद भी हो जाएंगे, ये आपको ज़्यादा कठिन भी नहीं लगेंगे, और ये इन पर थोड़ी बहुत स्टडी हो भी चुकी है, एकदम ही नए वायरस आपको याद नहीं होंगे। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, मिसलेनियस वायरस में इतना ही सफिशियंट है, बाकी आप इसमें अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझा तो दिया ही है कि होते क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।